सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है, रोडरेज के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। कई बार अनट्रेन्ड ड्राइवर ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, कई बार ट्रेन ड्राइवर भी हादसे के शिकार हो जाते हैं। इसके पीछे रियल वजह क्या है? भौतिक कारण होते हैं, फिजिकल कारण होते हैं, उसके साथ साथ कुछ ऐसे मानसिक कारण भी हैं जिसके ऊपर शायद ही आपने कभी जाना हो। तो आज इस वीडियो में मैं मिस्टर साइको गुरु राजेंद्र जोधपुरिया एक ऐसे ही कारण के बारे में अवेयर करने वाला हूँ। वो कारण है दुख, एक सामूहिक दुख। अगर इंसान अंदर दुख का भंडार दबाए हुए है, क्योंकि जैसे जैसे हम बचपन से बड़े होते हैं हमारे सामने जो दुख परेशानियां आती हैं वो हमारे मन में स्टोर होती रहती है, एक दुख का भंडार हमारे अंदर क्रिएट हो जाता है। उस दुख के भंडार को एनर्जी देते हैं हमारे विचार, जो नेगेटिव विचार हैं वो उन्हें पोषित करते हैं, उस भंडार को बढ़ाते रहते हैं, और वही भंडार अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए अपने भंडार में और अधिक दुख का समावेश करना चाहता है। वो आसपास से दुख लेना चाहता है, वो अपने भंडार को और अधिक बढ़ाना चाहता है। इसके लिए करता क्या है कि आसपास के जो समाज के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, उनके दुख से उसे मतलब होगा। अगर वो खुद दुखी है तो दूसरों के दुख से वो एनर्जी लेगा, और खुद दुखी होकर के दूसरों के दुख को वो खींच लेगा जिससे उसका भंडार बना रहे। यही एक कारण है जो रोड एक्सीडेंट की वजह बनता है। जो ड्राइवर भाई मन से परेशान है, दुख का भंडार उनका बहुत बड़ा है, तो जैसे ही वो दुख वाली फीलिंग और नेगेटिव विचारों की ऊर्जा के साथ सड़क पर निकलते हैं तो सामने जो दूसरा ड्राइवर है उसके अंदर भी दुख का भंडार प्रबल है, उसके अंदर भी फीलिंग्स दुख वाली हैं, नेगेटिव विचारों का ताना बाना उसके आसपास बुना हुआ है, तो दोनों की फ्रिक्वेंसी मैच करेगी और एक एक्सीडेंट का वो कारण बनेगी। क्योंकि जैसे जैसे विचार हमारे मन में आते हैं वैसी वैसी फ्रिक्वेंसी हमारे माइंड से क्रिएट होती है, और बाहर से वैसी ही चीज हम अट्रैक्ट कर लेते हैं। अब जो इंसान दुखी है वो बाहर से दुख ढूंढता है और अपने दुख के भंडार को बढ़ाना चाहता है। कई बार जागरूकता के अभाव के कारण अचेतन रूप से हम खुद ही दुख के भंडार को और अधिक बढ़ा रहे होते हैं। आपके मन में एक सवाल तो अभी जरूर आया होगा कि ऐसा कौन सा इंसान हो सकता है जो दुख को बढ़ाना चाहता हो। है, ऐसा होता है। इंसान को दुख अच्छा लगने लग जाता है क्योंकि दुख से प्यार हो जाता है। ये अचेतन रूप से भी होता है क्योंकि दुख इंसान की पहचान बन जाता है, क्योंकि उसके पास दुखी होने के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं होता। उसे लगता है कि मेरे पास जो कुछ है वो दुख ही तो है, वो दुख को अपनी पहचान बना लेता है। ये अहंकार या ईगो जिसे कहा जाता है उसी का परिणाम है कि वो दुख के साथ चिपकना चाहता है, वो दुख से अलग होना नहीं चाहता है, वो जागना नहीं चाहता है। तब क्योंकि उसे दर्द होता है कि अगर दुख गया तो कहीं मैं भी ना चला जाऊं, मेरा कुछ बचेगा क्या अगर मेरे जीवन में दुख ही ना रहे। तो ये बात सुनने में बड़ी अजीब आपको लग रही होगी, लेकिन अंदर गहराई में हम खुद को टंटोलें तो ये बात सत्य साबित होती है। इसके लिए करना क्या होगा कि दुख के भंडार को हम कम कैसे कर पाएंगे, उसमें सबसे पहला कदम यही है कि अवेयर होना होगा, जागरूक होना होगा, अपने दुखों को पहचानना होगा कि मेरे जो दुख हैं वो किस कारण से हैं, उनकी परिस्थितियाँ जिम्मेवार नहीं है, जिम्मेवारी मेरी खुद की है कि मैंने विचार ऐसे डाले हैं, खुद के अंदर भंडार मैंने खुद बनाया है। तो पहले जागरूकता, उसके बाद एक्सेप्टेंस की स्वीकार करना होगा कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, मैं खुद जिम्मेवार हूँ इसके लिए। उसके बाद यात्रा शुरू होती है ट्रांसफॉर्मेशन की। आप अगर अपने दुखों के बारे में जानना चाहते हैं और उनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो आज बहुत से ऐसे सद्गुरु, मैं सद्गुरु नाम ले रहा हूँ, जो इस क्षेत्र में स्पिरिचुअलिज्म के क्षेत्र में जिन्होंने मुकाम हासिल किए हैं, जो खुद में अस्तित्व में सम्मिलित हो चुके हैं, खुद में स्थित हो चुके हैं, जो स्वस्थ हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। संदीप महेश्वरी की आप वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि 1-to-1 बात करना आपके लिए अच्छा रहेगा तो आप मुझसे दिए गए नंबर्स पर ऑनलाइन बात कर सकते हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट यही है आपसे कि अपने दुखों के भंडार को
और ज्यादा ना बढ़ाएं, क्योंकि आपका भंडार सामूहिक रूप से ब्लास्ट का कारण बन जाता है। जितने युद्ध हुए हैं, जितनी मारकाट हुई है, ये सामूहिक या एक ग्रुप दुख का ही तो परिणाम है। जब ग्रुप के अंदर दुख जब हावी होता है तो फिर तहस नहस ही होता है। आप इस तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल पर आते हैं, मैं आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। It's caught in the crossfire.